वीडियो देखते रहिए मम्मी के भाषा पे। आज है संडे और आज हम लोग गए थे मीटिंग, और मीटिंग से आने के बाद हम लोग बनाए खाना, और खाना खाने के बाद हम लोग अभी तो बैठे हैं, लेकिन अभी पूरे घर का हालत हो गया है ख़राब, तो अभी सबको लगाती हूँ मैं काम में, तो वीडियो को देखते रहना अभी हम लोग कैसे काम करते हैं। और एक बार घर दिखा देती हूँ हमारा रूम का क्या हालत हुआ पड़ा है, दिखा रही हूँ मैं। और ये देखिए जेनी को, ए मेरा चुन्नी गंदा मत करना, सब अपने अपने काम में लगे हुए। तो यहाँ पर शुरू हो गया अब हमारा काम फटाफट, और ना जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक वक जाते हैं ना तो अकेले करते करते काम, तो फिर या बाहर बाहर से आते हैं तो फिर नहीं हो पाता है ना, घर ऐसा गंदा हो जाता है। तो सबको लगा सकते हो घर में काम, जितने भी लोग हैं ना सबको अपना दे दो ये काम, और सब लोग मिलके जब हम लोग करते हैं ना मज़ा भी आता है काम करने में। तो यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ बिस्तर को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसको भी सबेरे नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर जेनी भी लगी है, जेनी तो ठीक क्या करेगी, वो तो और उठा उठा के कपड़ा फेंक रही है बाहर, पर वो बाद में फिर जाके उसको मना करी तो वो उठा के सबको अपने जगह पे रखी कपड़ा। और हम लोगों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सब काम करने में, 10 या 15 मिनट ही लगा होगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगा, सब काम एकदम फटाफट और एकदम आसानी से हो गया। तो ऐसे मिलजुल के ना कर लेना चाहिए घर में काम कभी कभी, अकेले के भरोसे छोड़ देते हैं ना तो वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर इनको बोली थी मैं जो भी गंदा कपड़ा है ना उसको वहाँ से हटा दो, तो वो सब कपड़ा को लेके अंदर मशीन के अंदर रख दिया है। अभी कल मैं धोऊंगी तो फिर धुलेगा, अभी मैं कपड़ा भी नहीं धो पाऊंगी, क्योंकि जब तक ये अंदर में जो हम लोग यहाँ वहाँ कपड़ा सुखा रखे हैं ना वो सब जब सूख के हटाऊंगी नहीं ना, तब तक दूसरा कपड़ा नहीं धो पाऊंगी मैं अभी। तो यहाँ पर ये जो कल का कपड़ा था अच्छा से ना असल में सूखा नहीं था, तो इसलिए मैं इसको रख दी थी यहाँ पर, रात में भरी हुई ये हवा में थोड़ा अच्छा से सूख गया है, तो अब मैं इसको तय करके रख सकती हूँ आराम से, तो मैं इसीलिए इसको रख दे रही हूँ। और अभी ना हम लोग को जाना था मार्केट सब्जी लेने के लिए, और अभी मैं हमारे पास कुछ भी सब्जी वब्जी नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम लोग दोपहर में भी अभी खाना बनाया तो दाल और अचार के साथ खा लिए बस। तो बारिश हो रही है, देखते हैं कितना समय तक बारिश बंद होती है, उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट सब्जी लेने के लिए। और बिट्टू का ना परसों 2 तारीख को जन्मदिन भी है, तो इसके लिए भी ना इसको लेना था कपड़ा, तो उसके लिए भी जाना था। अब देखते हैं अगर बारिश बंद हो जाएगी तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो देखिए ये भी कपड़ा का काम हो गया, और अभी मेरा एक काम और बचा जो मेरे को बाहर में कपड़ा रखा हुआ है ना उसको सुखाना है, तो मैं उसको फटाफट यहाँ अंदर में ना दरवाज़ा में खिड़की में और ये पर्दा का जो राड है ना उसके ऊपर यहाँ अंदर में सब तरफ सुखा दूँगी और पंखा चालू कर दूँगी। और जेनी लोग का ना ड्रेस धोई थी दोनों का, सबेरे धोई थी मैं ड्रेस को, तो ड्रेस को ना मैं अंदर रूम में सुखा दी हूँ, वो भी डाइनिंग टेबल के कुर्सी के ऊपर, और वहाँ पंखा चालू करके रख दी हूँ, तो वो बस उसी से ही सूखने वाला है। अब बस यहाँ पर कपड़ा सुखा रही हूँ, यही देख रही हूँ कहाँ सुखाऊँ क्या करूँ, जो भी जगह मिल रहा है खिड़की दरवाज़ा सब तरफ सुखा दे रही हूँ। अब बरसात में ना बस यही सब चलेगा, यहाँ वहाँ खाली कपड़ा ही नज़र आने वाला है। और जेनी का यहाँ चल रहा है नाच गाना थोड़ा सा, अभी ना मैं कपड़ा नहीं बदली हूँ क्योंकि हम लोग को मार्केट जाना है ना, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से आने के बाद ही एक ही बार अपना कपड़ा वपड़ा बदलूँ। तो अब हमारा काम हो ही गया है, तो ये देखिए हमारा रूम हो गया पूरा साफ सुथरा, और ना किचन का काम बस बर्तन रखा हुआ है धुला हुआ, और उसको मेरे को जमाना है तो मैं बाद में जमा लूँगी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हंसते मुस्कुराते रहना।